बिहार में मानसून की पहली ही बारिश से लोगों का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। बारिश की वजह से टर्मिनल वन की छत गिर गई है। इस हादसे में एक कार छत के नीचे दब गई। इस घटना में 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां भेजी गई हैं। फायर ब्रिगेड टीम के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के भारी बारिश के बीच दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा टैक्सियों समेत कारों पर गिरने से 6 लोग घायल हुए हैं। क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई और ना फंसा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी ढह गई है, जिससे कि टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तस्वीर अपने आप में चौंका देने वाली है कि शुरुआती बारिश, मानसून तो अभी शुरू हुआ है और शुरुआती बारिश में इतना बड़ा हादसा हो गया। एक कार नीचे दब गई है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है, क्रेन के मदद से उन गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। गलियों का हाल बुरा तो दूसरी तरफ ये तस्वीर देखने को मिली। तो दिल्ली एनसीआर में मानसून ने अपना रंग दिखा दिया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में शुक्रवार तड़के झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। गर्मी से राहत तो मिली है और दिल्ली एनसीआर का मौसम काफी सुहाना हो गया है। शुक्रवार की सुबह जब दिल्ली वासियों की नींद खुली तो सड़कों पर जन सैलाब दिखा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी आ गया है, गाड़ियां डूब रही हैं, कुछ जगहों पर अब ट्रैफिक की समस्या हो रही है। सड़कों पर अब पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं और माना जा रहा है कि आज दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ट्रैफिक देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले इसी पानी के लिए लोग तरस भी रहे थे, पानी नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा आतिशी को भी, जो कि प्रदर्शन करती नजर आई थी और अनशन पर बैठ गई थी, तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। और अब ये दिल्ली की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हर तरफ अब पानी ही नजर आ रहा है और ये बारिश का पानी जो कि जाम हो चुका है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली वासी बहुत तरस रहे थे पानी के लिए और अब इतना पानी हो गया कि परेशानी हो रही है अब। निश्चित करते आपने बहुत सटीक शब्दों में आपने बातों को बताया है कि दरअसल जिस तरह से राजधानी दिल्ली की हाल अगर मैं देख रहा हूं तो कई इलाकों की अगर बात करें तो जिस इलाके में लोग अभी पानी पानी कर रहे थे अब फिर से पानी पानी कर रहे हैं। पानी पानी का मतलब इस बार मैं अभी इस वक्त में बताना चाहूंगा, मैं साउथ दिल्ली की संगम विहार देवली इलाके में घूम रहा हूँ और इस इलाके जब पिछले कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही यहाँ के लोग पानी की डिमांड को लेकर यहाँ पर काफी हो हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। हाँ। लेकिन अब इस इलाके में पानी भर चुका है और बारिश की लगातार सुबह से हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर काफी जल जमाव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रहा है। तो कई स्कूलों के जो वैन है वो कैंसिल कर दिए गए और इसके साथ साथ जो लोग जो है, जो आम ड्यूटी जाना और दुकान में अपने जाना, उन सब चीजों का जो जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है और सड़कों पर लगभग लगभग घुटने से ज्यादा पानी आ चुका है। तो कई ऐसी सड़कें हैं और इस वक्त में मैं जो साउथ दिल्ली का जो संगम विहार और देवली का इलाके की बात करूं तो ये इलाका जो है कहलाता जरूर है साउथ दिल्ली, लेकिन इस इलाके में जल जमाव की इतनी गंदी स्थिति हो चुकी है कि लोग अब जो है भगवान से ही कह रहे हैं कि इतनी बारिश क्यों। तो वाकई में शंकर, और ये सोचने वाली बात है कि देश की राजधानी जहाँ पे बड़े वीवीआईपी रहते हैं वहां का ये हाल है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और शंकर, वैसे हर साल इसी तरह के हालात होते हैं लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एयरपोर्ट पर जो छत गिरी है उससे कितना नुकसान हुआ है? एयरपोर्ट पे वो हादसा एक बड़ा हादसा है क्योंकि जिस तरह से वहां पे अचानक वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जो जिस तरह से बकायदा जो चल रहा था उसी दौरान में जिस तरह से अचानक वहां पर कुछ लोहे के जो बोल्डर्स हैं बकायदा वो नीचे गिरे, जिसकी वजह से 6 लोग जो है वो अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं और जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जो स्थिति है वो स्थिति काफी भयावह है क्योंकि कई जो गाड़ियां जो वहां पे खड़ी थी, जो कार जो है वो वहां पे
मौके पे थी, तो उस कार के ऊपर में वो लोहे के बोल्डर जो है बकायदा वो गिरे हैं। हालांकि स्थिति इतनी भयावह है जिसको देख करके उसे सामान्य तौर पे टेलीविजन पे भी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी वीडियोस देखने को मिले हैं कि एक शख्स कार में बैठा हुआ है और उसके ऊपर ये बोल्डर गिरा हुआ है, तो वो शख्स जो है बेहद गंभीर हालत में है और उसको निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मौके पे 6 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंची हैं और राहत और बचाव कार्य को इस वक्त में अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान में किस तरह से वो ये जो लोहे का जो बोल्डर है वो गिरा है, तो ये भी अब मामला तफ्तीश का है और इस मामले की बाद में तफ्तीश की जाएगी। लेकिन एक बड़ी राहत की बात कही जा सकती है कि उस घटना में बहुत ज्यादा लोग जख्मी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये हादसा जो है सुबह में 5 से 5:30 बजे के बीच का है। उस वक्त में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है सामान्य तौर एयरपोर्ट पर, उसमें भी टर्मिनल 1 पे उस वक्त में भीड़ नहीं होती है। लेकिन वही अगर हादसा अगर बाद में हुआ होता तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था। 9-10 बजे के करीब अगर शायद हुआ होता तो वाकई में आप सही कह रहे हैं कि ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अभी भी कुछ लोग दबे हैं जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत